সাংবাদিক সম্মেলনে গোলাম নবী আজাদ সরাসরি চলে যাব। और इस घोटाले पे पर्दा डालने के लिए कई प्रयास किए सरकार ने और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री, लेकिन वो ये घोटाला इतना बड़ा कि एक जगह उस पर मिट्टी डालते हैं तो वो दूसरी जगह से निकलता, दूसरी जगह उसको दबाने की कोशिश करते हैं वो ज्वालामुखी की तरह तीसरी जगह से निकलता। तो ये इतना बड़ा ज्वालामुखी है, ये जब तक उभर के नहीं आया और पहाड़ की शक्ल में नहीं लेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन के बीच में ये इतना बड़ा ज्वालामुखी बनेगा जो हिमालय की तरह होगी और उसके नीचे ही बीजेपी और ये सरकार दब जाए। नई कई चीजें हमने सदन के अंदर और सदन के बाहर मांग की, क्योंकि सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है, किसी एजेंसी से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि तमाम एजेंसियां रबर स्टैंप बन गई। यहां तक कि ये सरकार पहली दफा शायद दुनिया में होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करे, सुप्रीम को गलत एफिडेविट दे और गलत एफिडेविट करके अपने फेवर में अब सुप्रीम कोर्ट है, मैं कह नहीं सकता कि ऐसी जजमेंट आए जिसमें क्लीन चिट सरकार को मिले, लेकिन किसके आधार पर? गलत एफिडेविट के आधार पर। मैं तो चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसी सरकार जो गलत एफिडेविट दे, उस जो पार्लियामेंट के बारे में गलत एफिडेविट दे, पीएसी के बारे में गलत एफिडेविट और दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जगह है उनके बारे में गलत एफिडेविट, ऐसी सरकार को तो उन्हें डिसमिस करना चाहिए था कि ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं। लेकिन खैर वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, अपेक्षा हम करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो गुमराह करके अपने फेवर की जजमेंट लेने का प्रयास करे तो आप उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो क्या इंसाफ और क्या इंक्वायरी करे। इसीलिए हम कहते थे शुरू से ही कि जेपीसी होनी चाहिए, और ये जेपीसी कोई नई चीज नहीं, 1987 में जब हमारी अपनी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पर आरोप था, हमने जेपीसी की, बोफर्स पर जेपीसी। 1992 में हमारी सरकार थी, सरकार पर आरोप सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे हुए। 2001 में तो अटल जी की सरकार स्टॉक मार्केट स्कैम पे हो गई। 2003 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, पेस्टिसाइड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स और इन पे के पेस्टिसाइड्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस में, उस पे हुए। टेलीकॉम ये स्पेक्ट्रम के 2011 पे हुई, वीवीआईपी चॉपर स्कैम 2013 पे हुई। तो ऐसा नहीं कि हमारी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार हो, उस वक्त हर वक्त जब विपक्ष ने मांग की है, कई जगह तो कांग्रेस पार्टी ने खुद आगे बढ़कर कहा कि अच्छा आपको अगर यकीन नहीं है तो जेपीसी करो। लेकिन ये सरकार है, ये सरकार क्यों? जब किसी ने चोरी की है होती है तो वो इंक्वायरी नहीं मानता है,